या अली मदद, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी, वाइज नंबर 589. 5th of November, year 2000. My wise in Clear Lake Jamaat Khana in Houston. Nindaro, आपकी आवाज में मैं थोड़ी सी कटराश करूंगा, थोड़ा क्रिटिसाइज करूंगा. और क्यों करूंगा? अगर आप समझ सकोगे तो समझना, नहीं समझ सकोगे तो दुआ करता हूं कि समझो. अजी सच ध्यावो ने गिना न विचारो, अने गुरु बिना गिना का गिनान है. आप मोमन जमात हो, मेजोरिटी यहाँ, आपकी जबान गुजराती है, लेकिन इसमें फिर कहना क्या चाहते हैं? सच जागो, सच्चाई पे चलो, गिनान विचारो. यहाँ गिनान से मतलब ये गिनान नहीं, यहाँ गिनान कहते हैं अक्ल. अक्ल से विचार करो. मौलाना हज़रत इमाम के फरमानों में आज लगभग 5 बरस हुए, ये इशारे हो रहे हैं कि देखो हमारा जो मजहब है वो इंटेलेक्ट का है, हमारा मजहब है वो अकल का है. 75 बरस पहले इमाम सुल्तान मोहम्मद शहज़ादतर ने फरमाया, तुम्हारा मजहब न पायो अकल ऊपर छे. किस तरह है अकल के ऊपर, मैं आज ये समझाना चाहता हूं. फिर कहते हैं कि गुरु के बगैर तुम्हें अक्ल नहीं मिलेगी, गुरु बिना ज्ञान न रहे. इस भेद को कि गुरु के बगैर अक्ल नहीं मिलती, फिर कहते हैं मूर्ख लोग के मरम न जाने होते कारण करनी खोए. अपनी मेहनत, अपनी जो भी इबादत बंदगी है वो बर्बाद हो जाती है, क्योंकि गुरु की दी हुई अक्ल से काम नहीं किया. पीरों के बहुत से गिनानों में ये इशारे हैं कि मुर्शिद तुम्हें जिस तरह चला रहे इस तरह चलो. आप एक जगह जंगल में से निकल रहे हैं, गांव में से निकलते हैं, और एक जगह आपको जाना है, भूल गए रास्ता, भूल गए. अब क्या हो गए? तो आप किसी आदमी को स्टॉप कर दो, प्लीज एक्सक्यूज मी, ये फलानी जगह किधर है? वो कहे सीधा चले जाओ, फिर लेफ्ट साइड मुड़ जाना. अब बोलो नहीं नहीं सीधा नहीं, इधर ही किधर होना चाहिए. अरे भाई तुम भूल गए हो, किसी को पूछ रहे हो, वो रास्ता बताता है तो कहते हो नहीं 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 इधर ही कहीं होना चाहिए, इतनी दूर नहीं होना चाहिए. हमारा हाल ऐसा, अगर मुर्शिद कहे बैठ जाओ तो दीनदारो बैठ जाओ. क्यों बैठे ये पूछने की हमें जरूरत नहीं. मजहब जो है उसमें डेमोक्रेसी नहीं है. दुनिया की हुकूमतों में डेमोक्रेसी होती है. आपके इस अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी चल रही है, दो जने लड़ रहे हैं, एक जीतेगा दूसरा बैठ जाएगा, ये डेमोक्रेसी. मजहब में डेमोक्रेसी नहीं है. मजहब में अल्लाह बादशाह है, और अपने नूर से, इमाम से हमको हिदायत करता है.
और अगर हम उसकी हिदायत नहीं मानते या उस पर अमल नहीं करते, अपनी मर्जी से चलते हैं, तो फिर बस मामला खत्म हो गया। 4 बरस की उम्र में मेरे अब्बा ने मुझे स्कूल में डाला, और वो स्कूल रेगुलर स्कूल नहीं थी, क्योंकि 5 बरस की उम्र में रेगुलर स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में रहते थे, तो 4 बरस की पौने 4 बरस की उम्र में एक प्राइवेट स्कूल थी, ब्राह्मण था हमारा मास्टर, स्कूल में डाला। 2-3 दिन के बाद वो हमको हिसाब सिखा रहा था। मैं घर आया, अब्बा को कहा, मैंने बोला पापा मैं ये स्कूल में नहीं जाऊंगा। क्यों, क्या है? ये मास्टर कभी एक बात करता है, कभी दूसरी बात करता है, क्या करता है? कभी कहता है 2 और 3 5 होते हैं, और कभी कहता है 3 और 2 5 होते हैं। मेरे बाप हंस पड़े। अगर 2 पहले कहा तो फिर दूसरी दफा 2 सेकंड में क्यों कहा? अबा ने समझाया कि देख, 5 पैसे लेके रखे, ये 2 और ये 3 हिसाब करो तो वो 5 है, अच्छा इधर से हिसाब करो तो भी 5 है। अब मेरी समझ में आया, मेरी ये बचपन की एक नादानी जो आज मैं आपको कह रहा हूँ, इसमें से कुछ एक सीखना मिलता है। सीखना क्या मिलता है? मेरा माइंड 1 ट्रैक माइंड कि गुरु जो कहे वही सच्चा, लेकिन गुरु कभी ऐसा बोलता है कभी ऐसा बोलता है, ये हमारी बचपन की नादानियां होती हैं। कभी कभी इंसान उसकी बचपन की नादानियां कमजोरियां सारी जिंदगी रहती है। मैंने दीनदारों दुनिया में बहुत चीजें देखी, 25 बरस के बूढ़े देखे, 75 बरस के जवान देखे। क्या बोले आप? 25 बरस के बूढ़े देखे, 75 बरस के जवान देखे। हाँ दीनदारों, ढीला है, हिम्मत नहीं, ताकत नहीं, लेजी हो गया है 25 बरस का, लेकिन आदत जवानियों की नहीं है, बूढ़ों की है। 75 बरस का बूढ़ा है, बल्कि मैं बोलूं 85 बरस का। टोरंटो के जमात खाने में गया आवाज करने के लिए, तो बाहर बहुत बड़ी ऐसी लॉबी है। उधर से निकला तो मिशनरी बापा याली मदद ऐसा मुंह फिराया, 85 बरस का एक आदमी जमात को पानी पिला रहा था, और वो इस तरह से चलता था जैसे सचमुच कोई जवान चलता है। हिम्मत थी, ताकत थी, स्फूर्ति थी, एक्टिव था। 25 बरस का है लेकिन लेसी है, दमखम नहीं, हिम्मत नहीं। जवानी आदमी की उम्र से नहीं होती, बुजुर्गी बा अकलस्त, बुजुर्गी जिस तरह अक्ल के साथ होती है, ना बेसाल साल यानी उम्र के हिसाब से बुजुर्गी नहीं आती। हम बूढ़े आदमियों को बुजुर्ग कहते हैं, शेख सादी कहते हैं कि बुजुर्गी बा अकलस्त न बेसाल, बुजुर्गी जो है वो अक्ल से होती है, उम्र से नहीं। तवंगरी बदिलस्त न बेमाल, अमीर वो है कि जिसका दिल बड़ा है, भले ना उसके पास करोड़ नहीं है तो ना सही। और ऐसे भी देखे कि जो गरीब हैं मगर बैंक में लाखों पड़े हैं। कहने का मेरा मकसद क्या है कि पीर कहते हैं कि साच झियालो, हर चीज में सच्चाई होनी चाहिए, हर चीज में सच्चाई होनी चाहिए, ख्याल में सच्चाई होनी चाहिए, बिजनेस में सच्चाई होनी चाहिए, जॉब करते हो तो सच बन के भरो। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दत्तार ने हमें बहुत कुछ फरमान किया है। हमारा जो इस्माइली मजहब है वो हमको प्योर बनाता है, हमारे अंदर की खराबियां दूर करता है, हमारी कमजोरियां दूर करता है। हमारा मजहब हमको खुदा के नजदीक लाता है। हमारा मजहब टॉनिक है जो हमको रूहानी, दिमागी और शारीरिक ताकत देता है, क्योंकि इस्माइली मजहब एनर्जी है। और गुरु के ही ज्ञान से चलो तो सब कुछ मिले। गुरु का ज्ञान
और अगर हम गुरु से हट गए तो फिर हम रास्ता भूल जाएंगे। एक और आपको मिसाल देनी चाहता हूं, जैसे कि मैंने अभी एक मिसाल दी है कि आप भूल गए हो तो किसी से रास्ता पूछ रहे हो और फिर उसके ऊपर एतबार भी नहीं करते तो वो आदमी मंजिल पर पहुंचेगा नहीं, जब तक कि वो किसी के ऊपर भरोसा न करे। इस्माइली दीन जो इस्लाम दीन का सच्चा स्वरूप है, हमारा दीन इस्लाम है, हमारा मजहब इस्माइली है, हमारा तरीका निजारी है, क्योंकि हम इमाम शाह निजार से हमने ये तरीका अख्तियार किया, इसलिए कि जो दूसरे थे वो मुस्ता अली थे जिसको हम बोहरा कहते हैं। मैं फिर आपको बोलूं, हमारा दीन इस्लाम है, हमारा मजहब इस्माइली है, हमारा तरीका निजारी है, हम निजारी इस्माइली हैं, बोहरे जो है वो मुस्ता अलिया इस्माइली हैं, और जो दुरूज है वो हाकमिया इस्माइली हैं। हमारे मजहब की इस तरीके के अंदर से जिस तरह से सूखे पत्ते झड़ जाते हैं, ऐसा और भी कुछ फिरके निकल गए। एक जो हेल्दी शरीर है वो खाना खाता है और पेट को साफ करता है, गंध निकाल देता है। कौम एक हेल्दी शरीर की तरह है, उसके अंदर नवे लोग आते हैं और जो गंध होता है वो निकल भी जाता है। हमारी कौम में से बहुत दफा ऐसा हुआ है और आज भी हो रहा है, आइंदा भी शायद होता रहेगा। क्यों? कि इस्माइली तरीका जीता मजहब है, जीवता मजहब है। यहां भी इस वक्त कोई ऐसे जरूर बैठे होंगे कि जो हकीकत में इस्माइली नहीं है, नाम के इस्माइली हैं, नाम के इस्माइली। बैत हमने हजर इमाम की है क्या किसी बापा की है? हमने बैत इमाम को दी के या मौला तन मन धन तेरे कर्मों में रखता हूं, तू कहे मर जा तो मर जाऊंगा, ये ईमान होना चाहिए। लेकिन हम इधर भी रखते हैं पांव और उधर भी रखते हैं, फिर पीरों को क्या कहूं, उनके कदमों पे जान कुर्बान है, पीरों ने हमें कोई चीज बाकी नहीं छोड़ी। परनिया मेरी ने पर घर जावे, क्या कहोगे उसको? परणिया मेली ने पर घर जावे, शादी किसी से की है और दोस्ती किसी और के साथ है, बैत हाजर इमाम की है और जाती है किसी और जगह अपने दुखों को रोने के लिए, ये घर का है के लिए है? इमाम की बैत करने का फायदा भी क्या है? ये दोगले आदमी होते हैं, एक पांव दूध में रखते हैं, एक पांव दही में रखते हैं। वो लोग घोड़ों के ऊपर पांव रखते हैं, ये घोड़ा इधर चला गया, ये इधर चला गया, वो गिर पड़ा। सच्चे और पक्के बनो, और मजहब के लिए जान देनी पड़े। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के अल्फाज कहता हूं आपको, मजहब के लिए जान देनी पड़े, मजहब के लिए औलाद कुर्बान करनी पड़े, मजहब के लिए माल बर्बाद करना पड़े, मजहब के लिए इज्जत आबरू गुमानी पड़े तो भी करो, क्योंकि मजहब से ऊंची और कीमती चीज कोई नहीं। मजहब में पक्के रहो। और मौलाना हजर इमाम, मौलाना शाह सुल्तान मोहम्मद शाह, मौलाना शाह अली शाह, मौलाना मुर्तजा अली तक जाओ दीनदारो, 49 इमामों के नाम हम हर रोज लेते हैं। इन तमाम इमामों की हिस्ट्री और फरमान पढ़ो तो आपको पता लगेगा कि सच्चाई कहाँ है। एक मुसलमान ने एक इस्माइली का दोस्त था, मेरे से आके कुछ थोड़ी सी डिस्कशन की। क्या डिस्कशन की? कि तुम्हारा इमाम सच है, सच्चा है कि नहीं? मैंने बोला क्यों? कि हिस्टोरियन ने ऐसा लिखा है अलमुद के टाइम के ऊपर, हसन बिन सभा का एक लड़का था और उधर इमाम के घर में लड़का आया तो इन्होंने उसको बदला दिया। अरे बेवकूफ हो, वो कोई जंगल की बात थी? अलमुद की बात थी, वो कोई कोठड़ी में पैदा नहीं हुए, वहां तो इर्द गिर्द के अंदर
बीसियों किस्म की वहाँ नर्सें थी, डॉक्टर थे, नौकर थे, ऑफिसर्स थे, जमात के बड़े थे। वहाँ एक लड़का पैदा हुआ, उसको बदल दिया। ये थोड़ा कोई ह्यूस्टन था कि हॉस्पिटल में कुछ बदल गया है। देखो, मैंने उसको कहा मैं तुम्हें एक टेस्ट देता हूँ। आदमी अगर झूठ बोले तो झूठ बोलता है, बोलता है, बोलता है, किसी न किसी दिन पता लग जाता है। झूठ छुपता नहीं और सच भी नहीं छुपता। कहता हाँ, मैंने कहा रसूल अकरम के जमाने में एक आदमी ने नबूवत का दावा किया, अबू सलमा नाम था उसका। मगर क्या है, उसी के नौकर ने उसको मार डाला। इस तरह के बहुत से वाकयात हुए हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह से लेके आज तक। 32 आदमियों ने, 32 आदमियों ने इमामत का, नबूवत का दावा किया, लेकिन आज उसकी एक नस्ल में एक बच्चा भी नजर नहीं आता। 1400 वर्ष के अंदर 32 जनों ने झूठे वादे किए। किसी ने कहा मैं इमाम हूं, किसी ने कहा मैं नबी हूं। उन्हीं के लोगों ने उनको मार के खत्म कर दिया और मामला खत्म हो गया, उनकी नस्ल मिट गई, नाम निशान मिट गया। अगर आगा खान और इसके जो वड़वाओ और इनके जो बुजुर्ग थे, अगर ये दावा जो करते हैं, और हर इमाम ने ये दावा किया है कि मैं आले रसूल हूं, डायरेक्ट उसका मैं डिसेंडेंट हूं, और ये इमामत जो है वो कयामत तक चलेगी, हर इमाम ने दावा किया है, पब्लिक में दावा किया है, ये नस्ल चल रही है, आज तक चल रही है। हर जमाने के अंदर हमने अपने इमामों के नाम दुआ के बाद लिए, हर इस जमाने में। जैसे जैसे जमाना बदलता गया, दुआ के अंदर हमारे नवे नवे नाम इमामों के ऐड होते गए। जो 60-70 वर्ष के ऊपर वाले हैं यहाँ औरतों और मर्दों में, उनको शायद वो जूनी दुआ भी याद होगी, जो तोबो तोबो बंदो गुनेगार गत बख्शे शाबीर बख्शे, इस तरह की दुआ शुरू होती है। उस दुआ के अंदर भी इमामों और पीरों के नाम आते थे। सुल्तान महमूद शाह का नाम लेते थे आज से 42 वर्ष पहले, आज हाजर इमाम का नाम लेते हैं। ये जो दुआ है ये चलती जाएगी, फ्यूचर के अंदर एक और नाम ऐड हो जाएगा इमाम का। हर जमाने में ऐसा होता रहेगा। तो हमने हर जमाने के अंदर अपने इमामों के नामों को याद किया है। ये एक सीधा सीधा प्रूफ है कि हमारा जो मजहब है वो मुर्तजा अली के जमाने से चला आता है, रसूल अकरम के जमाने से चला आता है। सच्चा मजहब है। खोटा दावा करने वाले कई आए चले गए, मरे गए, खत्म हो गए, और ये पैदा होते रहेंगे। बाहर की बात छोड़ दो, मजहब के अंदर से, जमात के अंदर से ऐसे आदमी पैदा होते हैं कि जो खुद को बहुत बड़ा रूहानी आदमी समझ लेते हैं। कोई कहता है मुझे अली की रूह आती है, कोई कहता है मुझको इसका नूर आता है। अरे भाई, अली का मालिक खुद अली बैठा है, उसकी रूह कहाँ जाएगी? लेकिन हमारी जमात के अंदर ऐसे लोग हैं कि जरा सा कोई आदमी का नाम सुनते हैं कि फलाना आदमी ऐसा है, हम भागते हो, हमारा ईमान कच्चा है, हमारा ईमान कच्चा है। इसलिए कोई दाता के पास जाता है, कोई बापा के पास जाता है, कोई उसके पास जाता है, कोई इसके पास जाता है। के निजामी वहां भी टोरंटो के अंदर कोई रहमत भाई है तो कोई शक्कर भाई है तो कोई शीरिन भाई है, क्या है? बस उसको धुन चढ़ती है। फिर क्या होता है? बस उसको कुछ आता है। फिर क्या होता है? वो कहती है ना वो सच होता है। तो अगर वो सच होता है तो उसके घर में ये क्यों है? मैं किसी का भेद खोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको एक मिसाल, एक दखल दे रहा हूं। ऐ मोमिनो, ऐसे धतींगी हर जमाने में रहे हैं, ऐसे धतींगी हर जमाने में रहे हैं और रहेंगे। एक जगह
कराची की बात करता हूँ, बैतुल ख्याल की मेहमानी में मौलाना सुल्तान मोहम्मद शादा तार गए, 150 आदमी थे। मौला ने कुछ फरमान किए और फिर पूछा, तुम्हारे में से किसी ने नूर देखा है तो हाथ ऊंचा करो। कुछ लोगों ने हाथ ऊंचे किया। इतनी लंबी 10 इंच की टोपी, मोटा सा आदमी और 4-5 लाइन पीछे बैठा था, ऐसा करके हाथ किया। लोगों ने ऐसे हाथ किए है इसने ऐसा। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ऐसा झुक के देखते, तुमने क्या बिल्ली का बच्चा देखा? रात को बिल्ली के बच्चे की आंखें चमकती हैं। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह कहते हैं, तुमने क्या बिल्ली का बच्चा देखा? हाथ नीचे गिर गया। ए मोमिनो, जो हक होता है, जो सच होता है, वो चुप रहते हैं, उसको भड़ास नहीं मानते। आपके खीसे में $1,00,000 का हीरा पड़ा है तो क्या हीरा निकाल के रास्ते पे खड़े होके कहोगे, हे लोग आओ देखो मेरे पास $1,00,000 का हीरा है, ऐसा करोगे? अरे आप अपना बैंक बैलेंस किसी को बताते नहीं हो, तो कभी नूर मिल गया तो बताओगे? नूर वाले तो चुप हो जाते, आंखें नीची हो जाती है, मुंह बंद हो जाता है, अंदर अंदर मौला को याद करते हैं। मैं आपको 80 बरस पुरानी 20s की बात है, जिधर आज कराची का दरखाना गार्डन जमात खाना खड़ा है, इस जगह बैठा जमात खाना था, पीले रंग की उसके सारी कलर थी, बैठा जमात खाना था, पुराना जमात खाना गार्डन जमात खाने की जगह पे। वहां कराची की जमात बहुत पुरानी जमात है, हसन अली शाह माँ बाप के टाइम से, और ईमानी जमात है। सिंधी लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह ईमान अच्छा मजबूत रहा। गुरप्रीत सदरुद्दीन माँ बाप ने अपनी जो दावत है वो कराची से शुरू की, फिर सिंध में गए, फिर पंजाब में गए। तो वहां एक भगत साहब थे, जब सब लोग अपने अपने काम पे चले जाए तो ये भगत साहब किसी भाई के घर जावे, मोस्टली औरतें तो अकेली होती हैं, बच्चे स्कूल चले गए, कोई छोटा बच्चा हुआ तो घर पे रहा। शिरीन बहन, आओ आओ आओ, भगत साहब आओ आओ, बैठो। मेरे को मौला ने रात को कहा कि मैं शिरीन भाई को एक पैगाम दूं। अभी ये थोड़ा कोई पैगंबर था कि इसको वही उतरी, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि हमारी कौम के धतींगे अंदर हैं बहुत से, और भोले भाई बहन उसमें फंस जाते हैं। आओ आओ भगत साहब बैठो, किसी औरत का वखान करो, खाने पीने का वखान करो, तो वह फौरन चूल्हा गर्म करके आपको कुछ पका के खिलाएगी, ये बताने के लिए कि तेरा वखान सच्चा है। आओ बैठो। सीरा पकाया, चाय बनाई, भगत साहब ने उसका खूब वखान किया। मौला ने मुझको ये कहा है, मैं तुमको ये पैगाम दूं। भगत साहब का तो काम हो गया कि लंच मिल गया। दूसरे दिन शिरीन भाई को छोड़ के गए रहमत भाई के घर पे। अब ये हर रोज ये भगत साहब एक एक घर में जावे, काम धंधा कुछ नहीं, इस तरह से उसकी जिंदगी चले। ये भगत साहब जब इस सताड़ा हो गए तो ये दरख्त के साथ लटक जावे, पांव बांधे दरख्त के साथ, जमात खाने के पीछे दरख्त थे 3-4, पांव बांध के ऐसा ऊंडा लटके, ऊंडा लटके तो बंदगी करे। बैतुल ख्याल का सताड़ा था, लोग आ जा रहे थे, कोई लंबी बाई होगी वो दरख्त के नीचे से लग निकली तो वो लंबी बाई का सिर और ये भगत साहब लटके हुए हैं, इसका सिर टकराया, उसने शोर मचाया। वॉलंटियर लोग सब आ गए, देखा तो अरे भगत साहब ये क्या है, मैं बंदगी कर रहा हूँ। अरे उन्हें लटक के बंदगी करते,
फिर उसको बुजुर्गों ने, काउंसिलवारों ने, जो कि उस जमाने में ऐसे बहुत लोग अच्छे भी थे, कराची में बड़े बड़े इबादत वाले पैदा हुए हैं, उसको समझाया ये क्या कर रहे हैं। दीनदारों, मैंने आपको ऐसी दो तीन बातें सुनाई हैं, ऐसी तो हमारी जमात में बहुत सी बातें हैं। खुद आपके ह्यूस्टन के अंदर भी ऐसे लोग हैं कि जो अपने आप को ये समझते हैं या समझाना चाहते हैं कि हमको कोई रूह आती है और हम इबादत में आगे बढ़े हैं या हम ऐसा किया है। ए भाइयों बहनों, मेरे बच्चों, इस धनी को छोड़ के कहाँ जाओगे? इसके सिवा कोई नहीं है। किसी के कहने में कभी मत आओ। अपने मजहब के ऊपर सच्चाई से चलो। खुदा ना करे कभी कोई तकलीफ आ गई तो ये घर है जिधर आपकी तकलीफें दूर होगी और बरकतें मिलेंगी। इस घर के सिवा और कोई नहीं। ये मौलाना हजरत इमाम के नूरानी घर है जिसको हम जमात खाना कहते हैं। दिन दुनिया की आपको इधर नियामतें और बरकतें मिलेंगी, दिन दुनिया की मुरादें पूरी होंगी, कोई नहीं इसके सिवा। किसी की बात मत मानो और कभी तकलीफें आ गई हैं तो इसको पकड़ो, याद करो, तस्बीहां निकालो, थोड़ी खैरात करो, थोड़ी कुर्बानी करो और इस तरह से अपनी मुश्किलों का सामना करो। हज़रत इमाम फरमाते हैं अगर तुमने इबादत में अच्छा फायदा उठा लिया तो दुनिया में कोई भी मुश्किल तुम्हारा सामना नहीं कर सकेगी, तुम जरूर उसका कोई ना कोई रास्ता निकाल सकोगे। ऐसे बहुत से हथियार, बहुत से बंदूकें हमारे इमामों ने, हमारे पीरों ने हमें बख्शी हुई हैं। कमरिया हाजी हसन अली शाह माँ बाप, अली शाह माँ बाप, सुल्तान मोहम्मद शाह, तीन जौमों की उसने खिदमत की। कमरिया हाजी मौला के हुजूर में रहते थे, जिधर मौला जाते थे कमरिया हाजी साथ जाया करते थे, बड़े आबिद थे। एक जवान बेटा 21-22 बरस का गुजर गया, ये तो इबादत वाले और मौला के हुजूर में रहने वाले थे, मर्द भी हैं, लेकिन मां का हाल बहुत बुरा हो गया। जवान 21-22 बरस का जवान बच्चा, मां का कलेजा टूट गया, हर वक्त रोती रहे, थोड़ी बीमार हो गई। कमड़िया हाजी को मौला पूछते है, जन कमड़िया कैसी है? जन कमड़िया नहीं, कमड़िया की वाइफ, तो खुदा ने उसका हाल अच्छा नहीं है। ऐसा मौला उसके घर गए, घर गए तो मौला के पांव पड़ी। मौला फरमाया, हसन कमड़िया, ए कमड़िया की वाइफ, फिर हसन कबीर दिन का अनंत अखाड़ा पढ़ो। मौला को कहती, मेरा गम दूर नहीं होता। फिर हसन कबीर दिन का अनंत अखाड़ा पढ़ो, इंशाल्लाह तुम्हारा गम दूर हो जाएगा। हर रोज ये 500 पाठ की रस्म कबीर दिन का अनंत अखाड़ा इसने पढ़ना शुरू किया। 10-12 दिन के अंदर इसको सधियारा मिल गया, धीरज आ गई, गम दूर हो गया, हिम्मत आ गई। मैंने खुद कईयों को मौला का यह फरमान सुनाया है कि गम में, दुख में, कि जो सहन न होता हुए हाथ मुंह धो के बैठो और अनंत अखाड़े के 10-12 पाठ पढ़ो, 40 दिन में ये 500 पाठ पूरे करो। हर रोज 10-12-15 पाठ पढ़ने के बाद सजदा करो, पीर शाह की तस्बीह निकालो, मौला को कहो मैं तेरा बच्चा हूं, भाई है तो मैं तेरी बच्ची हूं, मेरा मालिक है, मेरा माँ बाप है, या मौला तेरी बैत की है, तेरे को छोड़ के मैं कहाँ जाऊं? मुझे अगर दुख आवे तो मैं कहाँ जाऊं? मौला से बातें करूं? मैं आपको सच कहता हूं, वल्लाह बिल्लाह आपका दुख दूर हो जाएगा, क्योंकि यह दवा इमाम ने बताई है। अली शाह माँ बाप सलवातुल्लाह अलैह ने हमें फरमाया कि खुदा न करे कभी बहुत बड़ी आफत वाला आ जाए
तो तुम 40 दफा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व तुबु अलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व तुबु अलैहि 40 दफा पढ़ो। लेकिन कभी और भी बड़ी मुसीबत आ गई तो 40 दफा 40 दिन या रब बला बिगरदा बहक शाह मर्दा, बहक शाह मर्दा या रब बला बिगरदा, ये एक दफा है। एक दफा सीधा पढ़ो, दूसरी दफा उल्टा पढ़ो। या रब बला बिगरदा बहक शाह मर्दा, बहक शाह मर्दा या रब बला बिगरदा, या रब बला बिगरदा बहक शाह मर्दा, बहक शाह मर्दा या रब बला बिगरदा। आसमान जमीन की कोई बला टिकेगी नहीं, बड़ी पावरफुल तस्वीर। लेकिन स्कूल के अंदर एग्जामिनेशन में पास होना है तो उस वक्त की तस्वीर निकालो मुनासिब नहीं। हमारे यहाँ तो 647 लॉटरी है, 649 इधर मुझे पता नहीं है क्या कहते हैं, लेकिन दुनियादारी के लिए कोई छोटी सी बात के लिए ये तस्वीर नहीं निकालना, एटम बॉम्ब है। वल्लाह बिना कोई सचमुच और आप हक पे हो तो आपने किसी से लड़ाई की है और कोर्ट में मामला चला गया है और आप हक पे नहीं हो, ये तस्वीर निकालोगे आपको कोई जीत नहीं मिलेगी, तस्वीर काम नहीं करेगी। अगर आप सच्चे हैं, आपके ऊपर कोई सचमुच जुल्म हो गया है और बहुत बड़ी कोई बला आई है, उस वक्त आपको ये काम आ गया। तंजानिया में एक जगह है पांडा, जगह गांव का नाम है पांडा, एम से है लेकिन म पांडा नहीं कहते, पांडा। उधर नई सेटलमेंट बनी, इमाम ने तालिका भेजा के जवानों को बोलो नई सेटलमेंट में जाके बिजनेस करें। जमात गई, 200-300 की जमात हो गई, बहुत अच्छा बिजनेस रहा। फिर इन्होंने दारुसलाम और दूसरी जगह से बीवी बच्चे भी मंगा लिए, बरस डेढ़ बरस के अंदर फर्स्ट क्लास जमात हो गई। एक दिन रात को सब सोए थे, 2 बजे धरती कंप आया, सब लोग घर छोड़ के भाग के बाहर चले गए। 2-3 दिन के बाद फिर धरती कंप आया, ऐसा 4-5 दफा धरती कंप आया। बीवी बच्चों को भेज दिया उधर, किसी ने टबोरा भेज दिया, किसी ने दारुसलाम भेज दिया। अब हर 3-3 महीने से मौला के हुजूर में जो रिपोर्ट जाती तो टबोरा की काउंसिल ने इसमें ऐसा लिखा और ये रिपोर्ट दी कि इधर अभी जमात इतनी रह गई है। तो मौला ने इंक्वायरी करवाई कि ये 300 के अंदर से 50 आदमी कैसे हो गए, कि खुदा धरती कंप आता रहा इसके लिए बीवियां बच्चे सब इन्होंने भेज दिए। तालिका आया, जमात को बोलो हर रोज रेगुलर तस्बीह के बाद 33 दाने की तस्बीह निकालो, या अली तू रहम कर, या मौला तू फजल कर। मौला ने हाथ से तस्बीह लिखी, जमात ने तस्बीह शुरू की, धरती कंप बंद। कई बरस हो गए, धरती कंप भूल गए, स्पेलिंग भी भूल गए। तो जमात इधर उधर चली गई, बुजुर्ग लोग उधर दूसरी जगह चले गए। तो कोई मुखी इधर आया दारुसलाम के अंदर, तो देखा उसने कि टबोरा दारुसलाम डोडोमा वगैरह दूसरी किसी जगह पे ये तस्वीर नहीं निकलती। खुद मुखी था ना, जब घर वापस गया तो बोला ये तस्वीर तो किधर नहीं निकलती, तस्वीर बंद की रात को 2 बजे धरती कंप, सब छोड़ के बाहर आ गए। फिर किसी बाहर गांव के कोई बुजुर्ग ने कहा कि भाई ये सिर्फ स्पेशल तस्वीर इस जगह के लिए है, आज भी वो तस्वीर निकालते हैं। फिर ये तस्वीर इमाम ने मुश्किलों के लिए दी, आज ये तस्वीर हम निकालते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारे मजहब के अंदर हर चीज है, कोई मुश्किल है तो मुश्किल को सहन करो। देखो दीनदारो, मुश्किल क्यों आती है, हम गुनाह करते हैं, भूल करते हैं। हमारे एक बहुत 1000 बरस पहले अबू अली सीना, इंग्लिश में उसको एविसीना कहते हैं, उसको फादर ऑफ
मेडिसिन कहते हैं, इस्माइली था, बड़ा मशहूर काबिल शख्स। एक आदमी उसके पास आया, कहता है शेख सख्त पेट दुखता है, क्या खाया? कि मैंने जली हुई रोटी खाई। नौकर को कहा सुरमा लाओ, सुरमा आया, उसको कहते आंखों में सुरमा डाल, कहते शेख पेट दुखता है, कहते हाँ तेरी आंखों का कसूर है, तुमने देखा कि जली हुई थी, हाँ फिर भी खाई, हाँ तो आंखों का कसूर है, पहले सुरमा डालो। इन हकीकतों से हमें पता क्या लगता है कि जब हम कुछ भूल करते हैं तो हमको दुख होता है। ज्यादा खाना खा लिया अभी पेट दुखता है तो गुनाह हो गया। गुनाह कबीरा भी होते हैं, गुनाह सगीरा भी होते हैं। क्यों ज्यादा खाया? भूल हो गए तो बस अभी उसका सजा ढूंढो, गुपत कर लो, सहन कर लो, थोड़ा सा इलाज कर लो। ऐसे छोटे मोटे गुनाह बहुत होते हैं हमारे, लेकिन ऐसे जो हम जानबूझ के नहीं लेकिन बेवकूफी से हम जो गुनाह करते हैं, हमें डरा के कहता है जल्दा। जमात में से कोई आदमी कहता है कायम पाया, तो हमने एक हाथी हजर इमाम को मेहमानी किया तो मौला उसका कुछ ब्लेसिंग देगा ना। तो जिसने कहा कि कायम पाया, उसने घोड़ा मौला को मेहमानी में किया, उसको इतना इज्जत मिलेगा। अब जो हमने हाथी मौला को मेहमानी में दिया तो उसके इवज में हमारे बहुत से गुनाह माफ हो गए। ऐ जिंदा कहता हस्ती नुदान, बहुत से गुनाह माफ हो गए। उधर से यहाँ तक मुखी कमरिया मुखियानी कमरियान के पाठ तक हम आए हैं, रास्ते में चलते चलते अस्तगफुरुल्लाह करते रहो। उधर से इधर तक 30-40 कदम है, अस्तगफुरुल्लाह ये नहीं कहने तो कौन, या मौला मेरे गुनाह बख्श दे, या मौला मेरे गुनाह बख्श दे। हर कदम के ऊपर ये बोलते बोलते इधर आओ, या मौला मेरे गुनाह बख्श दे। अगर लाइन लगी हुई है तो लाइन में भी खड़े खड़े यही करो, या मौला मेरे गुनाह बख्श दे। आजीजी से बोलो, आपके दिल में मोहब्बत पैदा होगी, आपके गुनाह बख्शे जाएंगे। मगर वो गुनाह के जो हमने अजाने किए हैं, जानबूझ के किए हुए गुनाह का हमें ध्यान करना चाहिए कि जानबूझ के किए हुए गुनाह को उनकी जो सोर्स है वो सोर्स में से पकड़ना चाहिए। मिसाल के तौर पे हमने किसी को गुस्से में आके थप्पड़ मार दिया, अब जो थप्पड़ मारा अफ्रीका में के पाकिस्तान इंडिया में थप्पड़ मारो तो इधर थोड़ी बातें करके छोड़ देगा, लेकिन अमेरिका में थप्पड़ मारोगे तो आपको पुलिस ले जाएगी, कोर्ट में केस होएगा। अब छोटी सी बात में बड़ी बात हो गई। इसमें बचने का रास्ता ये नहीं है कि मुखी को आकर मुखी साहब मैंने बहुत गुनाह किया, किसी को थप्पड़ मारा है, आप मुझे दुआ करो मैं जीत जाऊं, तो मुखी दुआ भी करेंगे तो भी वो जीतने वाला नहीं है। इसलिए कि खुदा ने कानून बनाए हुए हैं, इन कानूनों को तोड़ने से हमको मार पड़ती है। उस आदमी के पास जाओ जिसको आपने थप्पड़ मारा, वो कभी माफ कर देता है तो खुदा फिर माफ कर देता है। किसी का बुरा मत करो, किसी का हक न खाओ, किसी पे आरोप न डालो, किसी की बेइज्जती न करो। बन सके तब तक कर्जा मत लो, बिजनेस का कर्जा और है अगर बिजनेस के ऊपर उठाते हैं। आधी रोटी खाओ मोमिनो आधी, मगर सुख की खाओ। कर्ज लेके मुर्ग पिलाओ और बिरयानी खाना, वो जहर हो जाएगा। कर्ज लेके कुछ मत खाओ। बिजनेस बनाने का कर्जा और बात है, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए हम भीख मांगते हुए लोगों के कर्ज ले लेके खाते रहे, वो जिंदगी बराबर नहीं, हमारी इस्माइली मजहब के साथ नहीं मिलती। अच्छे बनो, नेक बनो। हजर इमाम बार बार हमको एथिक ऑफ इस्लाम की जो बातें करते हैं, एथिक ऑफ इस्लाम का मतलब ये है कि हम पाकीजा बने, पवित्र बने, नेक बने, अच्छे बने। और ऐसा कि जब हम रात को इबादत में बैठे तो हमारे अंदर नूर की रोशनी हो गए। जो दिल गंदा है, जो दिल के अंदर गुनाह से भरी हुई बातें हैं, ऐसे दिल में नूर कैसे पैदा हो सकता है? हमें पाक साफ बनना चाहिए। साच साच ध्यावो,
અને જ્ઞાન વિચારો. હમારે ઇમામો, હમારે પીરો, હમારે નબીઓ કી જીવન હમારે સામને હૈ. ઇનમે સે હમે લેસન લેકે અચ્છા જીવન ગુજારના ચાહીએ. ઓર જબ હમ બદ્યો બુરાઈઓ સે ઓર બદ લોગો કે સાથ હમારી સંગત જબ હો જાતી હૈ ના, તો હમે બડા દુખ મિલતા હૈ. હમ હઝરત ઇમામ કે રૂહાની બચ્ચે હૈ. મૌલાના હઝરત ઇમામ કો પ્યાર કરતે હૈ, મૌલાના હઝરત ઇમામ કો યાદ કરતે હૈ. और मौलाना हाजर इमाम के रियली हम उसको प्यार करते हैं, उसके लिए सब करने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी हमारा ख्याल दुनिया की तरफ बहुत है. हमारे अंदर बदियां बुराइयां बहुत है, वो मिटनी चाहिए. तीन चार दिन पहले मैंने किसी ह्यूस्टन के किसी जमात खाने के अंदर मैंने जिक्र किया था, सतयुग से लेके मैंने कल जो तक की बातें की थी, आज यानी कि सन 2000 के अंदर हम इस हालत में बैठे हैं मोमिना के पीरों का कलाम मेरी नजर के सामने है. मैंने 24 बरस लगाए, पहले 14 बरस, फिर 10 बरस सारा ज्ञान शास्त्र पढ़ा और समझने की कोशिश की. 14 बरस में पहली दफा जब पढ़ा तो मुझे बहुत सी चीजों की समझ नहीं आई. फिर मैंने तस्बीहां निकाली, मौला को याद किया और वापस सारा शास्त्र फिर पढ़ा. 10 बरस लगे मुझे और मुझे बहुत सी चीजों का पता लगा. मेरी सारी जिंदगी गिनानों के तर्जुमे में, गिनानों की समझ में निकली. आज हम एक ऐसी जगह पे आ गए हैं वक्त के हिसाब से, ये 2000 जो ईयर है और ये जो अभी सदी चल रही है, ये 100 बरस दुनिया के अंदर बहुत खराब है. ये सदी के अंदर दुनिया में बहुत खराबियां पैदा होंगी, बहुत नुकसान होंगे, गुनाह बढ़ जाएंगे, दुख बढ़ जाएंगे, बीमारियां बढ़ जाएंगी, तकलीफें बढ़ जाएंगी, पानी कमती हो जाएगा, अनाज की तंगी पड़ेगी, बीमारियां ज्यादा होने के कारण से दवाइयों की भी हमको जरूरत पड़ेगी मगर नहीं मिलेंगी. ऐसा समय आएगा दुनिया के अंदर 30, 40, 50 बरस, 60 बरस के अंदर कि दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा. लेकिन मौला ने अपना रहम करके हमको नॉर्थ अमेरिका के अंदर आके बसाया है. मैं 1962-63 में जब इधर आया तो न्यूयॉर्क में एक इस्माइली था, एक शिकागो में था और एक इस्माइली मॉन्ट्रियल में था. सारे नॉर्थ अमेरिका में 3 इस्माइली थे. जो मॉन्ट्रियल में था उसकी जर्मन बीवी थी और जो शिकागो में था वो उसकी भी इधर की रहने वाली कोई थी, बच्चे नहीं थे. लेकिन 3 इस्माइली सारे नॉर्थ अमेरिका के अंदर और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख से ज्यादा है. 10-11 बरस के अंदर यहाँ 2 लाख इस्माइली हों कोई नवाई की बात नहीं. लेकिन इमाम ने हमें अफ्रीका से, इंडिया पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, इन मुल्कों से बुला बुला के यहाँ जमात बड़ी कर रहा है. इमाम इमाम है, इसमें कोई भेद है? यहाँ जमात बनाने का कोई भेद है? पहला भेद तो ये देख लो, आईने में देखो आपकी सूरतें, शहजादे लगते हो, शहजादियां लगती हो, बादशाह लगते हो, आपके हाव भाव, आपका रहन सहन. आज से 100 बरस पहले अपने माता पिता की हालत का ख्याल करो, उसके साथ कंपेयर करो तो कहाँ वो कहाँ ये सब किसका है? खाना वदान का है, ये इमाम की रहमतें और मेहरबानियां हैं. हजर इमाम आने वाले 100 बरस की प्लानिंग कर रहे हैं और उसके ऊपर अमल कर रहे हैं. हमारा काम ये है कि हम हजर इमाम के हुक्म पर अमल करें और हम मौलाना हजर इमाम की सेवा करें, उसकी मदद करें. वो जमात के लिए जो कुछ कर रहा है उसमें हम हजर इमाम की मदद करें, आगे ना हमें बल्कि उसके साथ काम करें. और इमाम जब हमारी खिदमत देखता है तो राजी होता है. वो इमाम है दुनिया के अंदर, दीन का बादशाह है, वो सब कुछ कर सकता है. मौलाना मुर्तजा अली, उसके घर में चटाई भी नहीं थी, मिट्टी पे सोते थे. एक लड़ाई के अंदर कैदी पकड़े गए, उन कैदियों के अंदर एक मेड थी जो मौला के घर में मिली.
घर का काम काज करती थी। हकीकत में वो कोई नोबल फैमिली की लड़की थी, मगर जब इधर आई तो यहाँ तो मिट्टी में सोना पड़े, उसका दिल घबराता था। लेकिन वो केमिस्ट थी, कीमिया जानती थी। एक दफा मौला घर के बाहर गए, मौला की इतनी बड़ी ढाल पड़ी थी, शील्ड, लड़ाई में तलवार के सामने शील्ड रख के लड़ते हैं तो बड़ी मुश्किल से, वजनदार थी, लेकिन इसने उठाई। और कीमिया घर थी, इसने कीमिया से उसको तपाया आग में, और इसके ऊपर वो जो कीमिया था वो लगाया तो ये शील्ड सोने की बन गई। बहुत खुश हुई कि मेरा मालिक मुझे फ्री कर देगा। मुर्तजाली घर आए तो इसने बड़ी हरक्ष के साथ मौला को कहा, आपकी गरीबी देख के, मौला को कहती है आपकी गरीबी देख के मुझे बहुत दुख हुआ, मैं गुलाम हूँ, मैंने ये सोने की बना दी है, अब मुझे आप फ्री कर दो, आजाद कर दो। मुर्तजाली ने हाथ में वो शील्ड लेके ऐसा जोर से हिलाई, वो फिर तांबे की बन गई। बड़ी हैरान हुई, कटाई नहीं, मौला फरमाया ये मेरे भेद हैं, तुम मुझे दौलत देने आई है, दौलत मैं देता हूँ। मौला को हमारी कोई परवाह नहीं है, लेकिन पीरों ने हमको मौला के हाथ के साथ बांध दिया है। ये पता पुलिस वाले वो हथकड़ी लगाते हैं ना, तो पीर ने हथकड़ी लगाई, एक हाथ मौला का दूसरा हाथ हमारा, अभी क्या करें, मौला कहाँ जाए, जिधर वो उधर हम। ये तो माँ की रानी लाज ते कारण सतपंथ देखाड़ियाज। पीर कहते हैं ये माँ की रानी हाथ पकड़ लिया ना, ते दिन समी मुने पास ते पकड़, और उसने पकड़ा है, मौला ने हमारा हाथ पकड़ा है। मौला क्या कर रहा है जमात के लिए वो जमात को पता नहीं है। ए मोमिनो, हज़रत इमाम की मदद करो, उसको मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन जमात की खातिर मदद करो कि वो लोग के जो दूसरे मुल्कों के अंदर दुख उठा रहे हैं, उनके लिए इमाम जो काम कर रहा है उसमें हमें भाग मिले। अफगानिस्तान में 25,00,000 इस्माइली है, दुख में है, इस वक्त सबसे बड़ी दुखी जमात है वो अफगानिस्तान की है। एक तो गरीब है, दूसरा एजुकेशन नहीं, 92% इलिटरेसी है, यानी खाली 8% आदमी बने लिए लिटरेट है, 92 अभन है, गरीबी है। और उस पर जुल्म यह हुआ है कि वहां की जो सरकार है वो अच्छी नहीं, मौला को बहुत फिक्र है। यहां हमने आके मोटरे बंगले सब कुछ बनाया है मौला की रहमत से। याद रखो जिंदालो, मैं आज 5 नवंबर है ईयर 2000, इंशाल्लाह 5-10 बरस के बाद देखना, अगर आपके पास $1,000 है तो एक मीना चढ़ जाएगा, लाख है तो 2 मीने चढ़ जाएंगे, 1,000 में क्यों एक मीना चढ़ेगा और लाख में 2 चढ़ेंगे। सरे रास मेरे मुंह से निकल गया, भूल हो गई, माफ करो, लेकिन आप लोग बहुत मालदार बनोगे, बहुत मालदार बनोगे, बहुत मालदार बनोगे। इस माल को मौज शौक में नहीं उड़ाओ, मजहब में खर्च करो। सोने की चांदी की गोलियों से मौला के लश्कर में काम करो, लड़ाई करो, किसके साथ, दुश्मनों के साथ। कौन दुश्मन? शैतान, बदियां बुराइयां गुनाह हमारे दुश्मन हैं, अभनता बीमारियां गरीबी ये हमारे दुश्मन है कि जिसमें हमारे भाई बहन दूसरे मुल्कों के अंदर तंग हैं, यहां भी
यहाँ भी सादा जीवन गुजारो, मौत शौक वाला जीवन नहीं जीवन मत गुजारो। ऐ मोमिनो, जैसे जैसे टाइम पसार होता जाएगा, इस सदी के एंड के अंदर, ये सदी के आखिर में इस्माइल, तब तक इंशाल्लाह इस्माइली मजहब चढ़ता जाएगा, इस्लाम भी साथ साथ चढ़ता जाएगा। ये सदी इस्लाम के लिए बहुत अच्छी है, दुख भी पड़ेंगे लेकिन इस्लाम की बहुत चढ़ती होगी, इस्लाम बहुत ताकत वाला बन जाएगा, और हम भी इस्लाम में ही है ना। ये इस्लाम का जो धनी बैठा है, इसके बड़े इस तरह के प्लानिंग है। मैं पुरानी बहुत सी वाजों को याद करता हूँ, इस वक्त भी मेरे सामने है, जमातों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ कहा हुआ है। वो वक्त के जो हम आलमूस में पसार किया, वो वक्त के जो हमने इजिप्ट में पसार किया, फातमी जमाने के अंदर जो इस्माइली मजहब की ग्लोरी और चमक दमक थी दीनदारों, वो आज नजदीक आ रही है। थोड़े ही वक्त के अंदर सूरज उगने वाला है कि जो इस्लाम की ग्लोरी के ताकत के साथ साथ इस्माइली ग्लोरी मत ऊपर लेके आएगा। यहाँ जो हजर इमाम ने नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो जमात बनाई, उसमें एक कारण ये है कि हमारे बच्चे इधर की एजुकेशन लेके इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, टेक्नीशियंस बने, और साइंस की और जितनी भी टेक्नोलॉजी की जितनी भी आला दर्जे की ट्रेनिंग है, हमको वो ट्रेनिंग मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह ले रहे हैं हमारे बच्चे, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। मैंने जब भी मैंने तपास की, कनाडा की 56,000-57,000 जमात है, इसके अंदर हर साल हमको 400 ग्रेजुएट्स मिलते हैं, 400 ग्रेजुएट जो यूनिवर्सिटियों में जुदे जुदे उन लोगों के जो कोर्सेज हैं वो लेके निकलते हैं। हर रोज हर बरस 400, तो बढ़ते बढ़ते आप विचार करो कि 40-50 बरस के बाद हमारी जमात में कितनी एजुकेशन होगी। टेक्नीशियंस होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, बैरिस्टर होंगे, साइंटिस्ट होंगे। ये जब इधर की जो ताकत है, फिर यहां से लोग जाके दो दो तीन तीन बरस वॉलंटरी सर्विस करेंगे, जैसे आज ताजिकिस्तान में हो रहा है, इंग्लिश सिखाने के लिए बहुत से लड़के लड़कियां गए हैं। मगर आज आपको एक भेद बताऊं, 100 बरस के बाद उस जमाने के अंदर जो इमाम होंगे, वो इमाम सारी दुनिया के मुसलमानों की लीडरशिप लेगा, और मुसलमानों के खिलाफ जो दुश्मन होंगे, लड़ाइयां होंगी, उनके अंदर उस जमाने का इमाम लड़ाइयां करेगा। और इसमें खास तौर पे दलित कालिंगा से साथ लड़ाई करेगा, जो हमारे घिनानों में 800-900 बरसों से पहले चला आता है। उस वक्त हमको यहाँ के जो लोग होंगे वो उस जगह जाएंगे कि जहाँ लड़ाइयाँ होंगी, इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी, साइंटिस्ट की जरूरत पड़ेगी, टेक्नीशियन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ हमारे इस्माइली जमात के अंदर जवान इन चीजों के अंदर जो पक्के होंगे, मौलाना हाजर इमाम की और जमात की सेवा के लिए दूसरे मुल्कों में जाके इनको काम करना पड़ेगा, और हम करेंगे। दुनिया के अंदर जो बदियां बुराइयां हैं, वो जमाने का इमाम उसको साफ कर देगा, मिटा डालेगा। है जी दुनिया नो अंधारो दूर थसे, अन्यथा से ए अथर्वेद मोहे भाखिया सर्वे आवसे अली नबी ने शरण। वो जमाना आ रहा है, बैरियर टूट जाएंगे, बॉर्डर्स टूट जाएंगे, इमिग्रेशन मिट जाएगी, सारी दुनिया के अंदर एक ही गवर्नमेंट होगी, सारी दुनिया में एक ही नेशन होगी, सारी दुनिया में एक ही कल्चर होगा,
एक सिविलाइजेशन होगी, एक भाषा होगी, लेकिन दुनिया छोटी हो जाएगी। किस तरह छोटी हो जाएगी आपको बोलूं? फिर कहते हैं कि उस वक्त जितनी दुनिया में बस्ती होगी, 20 में से 19.5 बस्ती नाश हो जाएगी, आधा बचेगी। यानी कि 2.5% दुनिया में लोग बचेंगे, 97.5% बर्बादी हो जाएगी। रेफ्रिजरेटर नहीं होंगे, मोटरें नहीं होंगी, एरोप्लेन नहीं होंगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, लेकिन सुख होगा, शांति होगी, खुशियां होंगी, झगड़ा नहीं होएगा, कोई हैरान नहीं करेगा, क्राइम नहीं होएगा, और 125,000 वर्ष ऋषियों राज करे, पछी महादिन मंडाए। ये सारा विस्तार हमारे ज्ञानों में जिस तरह से बनाया, आज हम इस सदी के अंदर उस रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। तो हमारे ऊपर फर्ज क्या है पता है? मौला की सेवा करो, इबादत करो, नेक बनो, अच्छे बनो, बदियों बुराइयों को दूर करो, और जमात की सेवा करो। सिर्फ ये जमात नहीं, जिधर भी जमात मिले जमात की सेवा करो। इधर भी बूढ़े हैं, कमजोर हैं, बीमार हैं, उनकी देखरेख रखो, सेवा करो, मोहब्बत करो, और आपस में इत्तेफाक से रहो। हजरत इमाम के फरमान सुन के उनके ऊपर अमल करो। आज देखो सिंटर एसी पेज के फरमान जो पाकिस्तान में हुए हैं, ये रास्ते रास्ते पढ़े जा रहे हैं, इन फरमानों को अच्छी तरह सुनो। इन फरमानों के अंदर हजरत इमाम ने एक और इशारा भी किया है, आज मैं जिसको टैकल करना चाहता हूँ। ये बच्चे बैठे हैं 8-9 बरस के, मात पिता की भाषा है गुजराती, बच्चा बोलता है इंग्लिश। क्यों भाई, क्या हुआ? हमारी कौम में एक बहुत बड़ी भूल हो रही है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर हमारी जमात एक बहुत बड़ी भूल कर रही है, और उसके जो ठमदार मात पिता हैं कि जिनके बच्चे गुजराती नहीं जानते, कच्छी नहीं बोलते, उर्दू नहीं बोलते, आज हज़रत इमाम ने पाकिस्तान के अंदर इस बात का इशारा किया है कि तुम अपने मावितर की और अपने बुजुर्गों की एंसेस्ट्रल भाषा बोलो। बच्चों के साथ इंग्लिश में बात मत करो, उनको गुजराती सिखाओ, कच्छी सिखाओ, उर्दू सिखाओ, अरबी सिखाओ। कहने का मकसद यह है कि हमारा कल्चर जबान से मिलता है, अगर जबान नहीं रही तो कल्चर मिट जाएगा। मुझे इधर का इतना बहुत पता नहीं है कि इधर चाइनीज कितने और जापानीज कितने हैं, लेकिन लगभग 2 से 2.5 लाख चाइनीज कनाडा में है। इसमें 1 लाख चाइनीज तो खाली वैंकूवर में रहते हैं, बीसी में, वो चाइना से आए हैं, 150 बरस हो गया, आज भी वो घर में चाइनीज बोलते हैं। सिख लोगों को 100 बरस से ज्यादा हो गए, अब वो घरों में पंजाबी बोलते हैं। इस्माइलियों को खाली 25 बरस हुए हैं, वो गिटमिट बोलते हैं। अरे भाई, स्कूल में सीखते हैं, सीखो, जरूर सीखो, 2-4 भाषा बोलने को मुश्किल नहीं है। बच्चों को उत्तेजन दो के वो गुजराती बोले, गुजराती सीखें। हमारा सारा शास्त्र गुजराती में है, कितने का ट्रांसलेशन कर सकोगे? और ट्रांसलेशन के अंदर इंग्लिश जबान जो है ना, वो साइंटिफिक भाषा है, कल्चरल जबान नहीं है। और हमारी जो गुजराती और जो हिंदी जबान है, जिसमें हमारे गिनान है, इन गिनानों के अंदर जो सटलिटी है और जो इसकी खूबसूरती और लतीफ है, वो इंग्लिश में ताकत नहीं कि उसका ट्रांसलेशन उठा सके। इसलिए हमको ये बहुत जरूरी है अपने घरों में अपनी भाषा बोलना, और बच्चों को इस बात के लिए इंसिस्ट करो कि वो हमारी जबान बोले। बच्चों के अंदर ये जीन्स हैं कि वो गुजराती मात पिता के बच्चे हैं, मगर गुजराती बोलते नहीं। मात पिता गुजराती ही में बात करो, और उनको इस बात के लिए कंपल करो कि वो हमारी जबान बोले, उर्दू बोलो, गुजराती बोलो। हजरत इमाम ने अभी इस क्वेश्चन को उधर रेज किया है, अपना कल्चर अपने साथ रखो। हम इधर 100 बरस भी रहेंगे तो हमारी चमड़ी यूरोपियन जैसी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। हमारे
पिगमेंटेशन हमारी स्किन के जुदे हैं, हमारे जीन्स जुदे हैं और हम स्माइली हैं। यहाँ के आंखें चुंधिया जावे ऐसी भपकेदार जीवन के अंदर बैठ के हम अपना मजहब घुमाना नहीं चाहते, हम अपना कल्चर घुमाना नहीं चाहते। अभी एक महीने के अंदर धमाचौकड़ी होगी इधर नॉर्थ अमेरिका में, क्योंकि क्रिसमस आता ना, तो कई बच्चे अपने माता पिता को कहेंगे हमारे घर के अंदर वो क्रिसमस ट्री लेके आओ। मुझे मालूम है ऐसे कुछ बच्चे हैं और माता पिता भी क्रिसमस ट्री ले आते हैं। ये क्रिसमस ट्री हमारा नहीं है, ये क्रिसमस ट्री क्रिश्चियनिटी का है। हम क्रिश्चियन नहीं है, मुसलमान है, हमारा मतलब इस्लाम है, दीन इस्लाम है। इन लोगों के साथ देखा देखी करके बाज ऐसे पेरेंट्स ये बोलते हैं बच्चे जो है ना इनके यार दोस्त ऐसे हैं, तो हमारी ईद आती है तो उनके बच्चे हमारी तरह का हलवा बार पूरी पका के हमको लाते हैं। हम जिस तरह अपनी ईद मनाते हैं वो लोग हमारे साथ ईद मनाते हैं, तुम उसके साथ क्रिसमस मना रहे हो क्यों? ये क्रिश्चियनों का काम है, हमारा काम नहीं। अपने मजहब के ऊपर मुस्तकीम रहो और अपने मजहब की स्टडी करो, अपने मजहब को फैलाओ, दूसरों को कह दो। इधर कई लोगों ने आके अपने नाम भी बदला डाले, जिनमी जॉनी और मालूम नहीं एक नाम ऐसा। मोमिनो हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम इस्माइली हैं, मुसलमान हैं। अगर नाम अब्दुल हमीद है तो बहुत बहुत तो अब्दुल कर लो, लेकिन अब्दुल हमीद का ए भी खाली ए भी नहीं होगा, पूरा नाम बुलाओ। अपनी जिंदगी को इस्माइली मजहब के ऊपर चलाओ, हाजर इमाम की फरमान बरदारी करो, जो चीज में नाफरमानी है उससे दूर हट जाओ, जो हाजर इमाम चाहता है उसके ऊपर अमल करो, आपस में प्यार मोहब्बत से रहो। एक और बात मैंने एक दो जगह ये बात कही है कि इंडिया पाकिस्तान अफ्रीका छोड़ने के बाद नॉर्थ अमेरिका में आके हमारी जो मैरिज लाइफ है थोड़ी बिगड़ गई है। मियां बीवी के झगड़े होते हैं, तलाक होते हैं, बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ता है। ये बदियां इधर क्यों आई हैं? क्योंकि यहाँ की हालत और है, इधर का तमद्दुन कल्चर जुदा है और इधर को देखा देखी हम अपनी जिंदगियां बिगाड़ डाले, ये ठीक बात नहीं है। मर्दों को यह समझना चाहिए कि औरतें गुलाम नहीं है, और औरतों को यह समझना चाहिए कि मर्द भी हमारे जैसे हैं, आखिर तो मर्द है, बच्चों का बाप है। दीन इस्लाम के अंदर जो हमें हकीकत रसूल अल्लाह ने फरमाई उनकी स्टडी करो, अच्छी किताबें पढ़ा करो। मैं खुश हूँ और आपके लिए शुक्राना अदा करता हूँ मौला के हुजूर में कि आप में से बहुत से लोग वाजें सुनते हो, अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, उनके अंदर बहुत सी चीजें मिलती हैं। फिर भी आप अपने घरों के अंदर 5-10 मिनट भी हाजिर इमाम के फरमान पढ़ा करो, गिनान बोला करो, और किसी बच्चे को कह दो कि तू ये फरमान का आधा पेज पढ़। अपने घरों के अंदर हर रोज लोबान बनाओ, हर रोज अगरबत्ती नहीं, अगरबत्ती के अंदर जो लकड़ी के जो स्टिक है ना वो कार्बन है, वो घर के हवा को खराब कर देता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है। अगरचे खुशबू आती है लेकिन अगरबत्ती नहीं चाहिए, या तो आप उसकी धूप की स्टिक ले आओ, इंडिया पाकिस्तान से धूप, उसमें लकड़ी नहीं होती, खाली मसाला होता है, अगर होता है, चंदन होता है, उसको धूप कहते हैं, 3-4 इंच की स्टिक होती है, वो अगरबत्ती की तरह ही जलती है लेकिन प्योर है। और लोबान बनाओ, लोबान ऐसी चीज है मोमिनो कि लोबान के लिए गुरपी सदरदीन माँ बाप ने अच्छे फरमान किए हैं, लोबान के लिए रसूलुल्लाह के फरमान हैं, लोबान के लिए बाइबल के अंदर अल्लाह ने मूसा को यानी हिदायत की है। लोबान पाकीजा है, प्योर है, एंटीसेप्टिक है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जब आसमान से रूहानियां आती हैं जमीन पे तो उनके बदन से लोबान की बास आती है। मेरी आवाजों में है कि कभी कभी किसी घर में जाओ तो लोबान तो होता नहीं, जलाया नहीं, फिर भी लोबान की बास आती है। इसलिए आती है कि किसी रूहानी ने अंदर आके विजिट किया है,
कोई बाप मर गया, दादा मर गया, कोई बुजुर्ग गुजर गया, तो वो हमें दुआएं देने के लिए जमीन पे आते हैं, हमको दुआएं देते हैं, मगर जब चले जाते हैं तो लोबान की बास छोड़ जाते हैं। अपने घरों में लोबान बनाओ। इवन स्पिरिट्स जो हैं, बद रूह हैं, खराब रूह हैं, वो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि लोबान अच्छी रूहों के लिए ही खुदा ने बनाया है। लोबान करने से घर का एटमॉस्फेयर साफ होएगा, क्लीन होएगा, प्योर होएगा, और बद रूहें, खराब रूहें नहीं आएंगी, और अच्छी रूहें आएंगी, माता पिता और बुजुर्गों की रूहें आएंगी, फरिश्ते आएंगे, तो इस तरह से सारा घर का एटमॉस्फेयर बदल जाएगा। या लोबान बनाओ, धूप बना सकते हैं। हर रोज आपके घर के अंदर कुछ न कुछ गिनन की आवाज आनी चाहिए। गिनन बोलो, फरमान बोलो, तस्बीहां निकालो, मौला को याद करो, उसकी मदद मांगो, उससे बरकत मांगो, उससे रहमतें मांगो, तो दीन दुनिया की बहुत सी खराबियां खुद ब खुद दफे हो जाएंगी। मौला आपको दीन और दुनिया में सुखी आबाद रखे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, बदियों बुराइयों से बचावे, नाफरमानी के काम से बचावे, कलयुग की हवाओं से बचावे, शैतान के फरेब से बचावे, हर आफत बला दूर करे, मौला आपका ईमान ज्यादा करे, दसवंती सुकृति बनो, फरमान बरदार बनो, मौला के आशिक बनो, मौला से प्यार करो, और मौला हमेशा आपको अपनी छतर छाया में रखे, आपकी हर नेकुमेल पूरी करे, आपकी हर बीमारी बला दूर करे, सुख और शांति दे, सुखी आबाद रहा है। सावधान।